उम्मीद यही थी कि जमानत मिल जाए और इसको लेकर कोशिशें की गई। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अलग अलग दलीलें दी जिसके जरिए आखिरकार आज राहत की खबर निकल कर आई आम आदमी पार्टी के लिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं जमानत मिलने के बाद। आज न्याय हुआ है, आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। काल्पनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे, जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। 177 दिन काफी लंबा वक्त होता है जो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जेल में काटा है और नेता कार्यकर्ता वकील तक उत्साहित हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब हियरिंग चल रही थी तो सांसें थामे जो तमाम नेता हैं वो उसे मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि आजकल जो हियरिंग्स होती हैं वो लाइव होती हैं, आप भी सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं, नेता भी सुन रहे थे। तस्वीर दिखा देते हैं आपको जल्दी से, चलिए ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये खबर मिलने के बाद की, उससे पहले देखिए कैसे लैपटॉप पर बैठकर लाइव हियरिंग देख रहे थे, सुन रहे थे आतिशी जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, और कैसे खुश होते हैं देखिए। जैसे ही खबर मिलती है कि बेल ग्रांट कर दी गई है, खुशी से उत्साहित होकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गले लगाते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल हो गया था। नेशनल पार्टी गुजरात चुनावों में जिस तरह से यहां उम्मीदवारी मिली उसके बाद बन गई है, लेकिन अब और जोर देना है, और जोर देने के लिए जब मुखिया आ जाए, क्योंकि मेन चेहरा तो अरविंद केजरीवाल ही है, और उन्हें जब जमानत मिली तो उत्साह देखते ही बन रहा था। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव हियरिंग सुनते हुए, कैसे उत्साहित, कैसे एक तरह से उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह, ये आप देख पा रहे हैं, और दोनों ही बहुत मुख्य भूमिका में हैं सरकार में। उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, हालांकि वो भी सबसे ज्यादा वक्त मनीष सिसोदिया ने ही जेल में बिताया है, जेल से निकले वो कुछ समय पहले, 500 से ज्यादा दिन उन्होंने बिताए, और आतिशी अभी शिक्षा मंत्री की यहां पर कमान संभाले हुए, तो वो भी यहां उत्साहित दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, राजनीतिक दांव पेच खेल पाएंगे, रस्साकशी राजनीतिक कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना दस्तखत कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जब दफ्तर ही नहीं जा सकते तो फैसले कौन लेगा, ये सवाल बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए आज का सूरज राहत की किरण लेकर आया। आसमान में छाए बादलों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर राहत की बारिश की। खुद सुनीता केजरीवाल हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए जश्न मनाती नजर आई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह को जिस खबर का इंतजार था उसके आते ही दोनों की खुशियां सातवें आसमान पर पहुंच गई। जी हां, 177 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से आजादी मिल गई है। केजरीवाल की जमानत की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली के सीएम ऑफिस से लेकर चंडीगढ़ दफ्तर तक ढोल ताशों के साथ जश्न शुरू हो गया। आज कह रहे ना जी सत्यमेव जयते, जितना उत्साह है आम आदमी पार्टी के हरेक वॉलंटियर में, हरेक में बहुत ज्यादा उत्साह है, ये एक बड़ी जीत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। पार्टी नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाई लेकर बाहर आई, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और दो लाइनों में हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा समझा गई। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया, वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की शक्तियां छीन ली हैं। जमानत के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ना तो सचिवालय जा सकेंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे। शराब घोटाले की जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए भी केजरीवाल को सख्त हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, लेकिन सीएम की शक्तियों पर पहरा लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बाहर आना पार्टी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सीएम के तौर पर वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, जो राजधानी दिल्ली के लिए बुरी खबर है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ईमानदारी के कितने भी कसीदे पढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत इस ओर इशारा है कि शराब घोटाले में कहीं ना कहीं केजरीवाल के हाथ भी मैले हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जतिन भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शिखा शर्मा जुड़ रही हैं। शिखा, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी संयोजक का इंतजार कर रही थी, वो तो आ रहे हैं, दिल्ली वालों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। क्या कहना है लोगों का? देखिए अरविंद केजरीवाल की आवाज पर और यहाँ पर तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है खूब, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए बैंड यहाँ पर आया हुआ है, फूलों की बरसात की जा रही है। यहाँ पर आप दिखाऊंगी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की वेलकम के लिए यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है, यहाँ पर डांस किया जा रहा है। ये सब कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्सव ये मना रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी और उत्साह